गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर शुक्रवार की देर रात से बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल दीर्घन सिंह के पास सड़क की खुदाई कर गिट्टी मिट्टी डालकर छोड़ा गया है, जो लगातार हो रही बरसात में बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। ऐसे में यहां से वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि बारिश के पानी से निर्माणाधीन 4 लेन पर गड्ढों में शुक्रवार की देर रात खराब हुए रोडवेज बस के साथ ही ट्रक का पहिया भी धंस गया, जिससे राजमार्ग पर बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं मौके पर पहुंचे बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह द्वारा NHI का कार्य करा रहे JP ग्रुप के वाइस डायरेक्टर राजीव शर्मा और प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज शुक्ला से वार्ता कर तत्काल बगल से एक वैकल्पिक रास्ता बनवाकर गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित कराया गया। What's the problem?